खरगोन जिले में भाजपा मंडल भगवानपुरा के संगठनात्मक मंडल अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी रंजीत सिंह डंडीर एवं पर्यवेक्षक आशाराम बिल्लोरे की उपस्थिति में मंडल अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 95 बूथ के अध्यक्षों को रायशुमारी हेतु बुलाया गया, जिसमें 90 बूथ के अध्यक्ष उपस्थित होकर अपनी रायशुमारी बंद लिफाफे में भेज दी गई। अतः मंडल अध्यक्ष की घोषणा भोपाल से की जाएगी। संगठन चुनाव में उपस्थित पूर्व विधायक दल सिंह सोलंकी, जमुना सिंह सोलंकी, मंडल अध्यक्ष चंद्र सिंह वास्कले सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भगवानपुरा से सूर्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट। किस लिए एकत्रित हुए भाई साहब? लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और जिस तरह से 18 करोड़ सदस्य हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया कि पार्टी के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के बीच में कमेटी बनाई जाए। हर बूथ पर कार्यकर्ता है, उसके अध्यक्ष बने और उन बूथ के अध्यक्षों के माध्यम से उनके बीच में रायशुमारी करके उनसे बात करके उनके मत लेकर और मंडल के चुनाव कराए जाएँ। और उसी तारतम्य में मुझे मंडल का निर्वाचन का अधिकारी और मेरे साथ हमारे आशाराम जी भिल्लोरे जो मंडल के परीक्षक थे और अशोक भाई जायसवाल वो मंडल के हमारे सह निर्वाचन अधिकारी, ऐसा हम तीनों ने मिलकर और मंडल अध्यक्ष और यहाँ की पूरी टीम ने मिलकर आज के निर्वाचन का ये काम संपन्न कराया। बहुत शांतिपूर्ण, बहुत ताकत से और 98% वोटिंग हुआ है। जो हमारे कुल 95 बूथ हैं, उन 95 बूथों में से 90 बूथ के हमारे कार्यकर्ताओं ने और बूथ अध्यक्षों ने आकर यहाँ पर अपना मत दिया है। ये एक अभिनव प्रयास हुआ है जिसका और जिसके लिए पूरी पार्टी के कार्यकर्ता और जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से धन्यवाद पात्र हैं। और ये बात जाना चाहिए, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह से नीचे बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता से भी मंडल का कार्यकर्ता नेतृत्व कौन करेगा इसकी बात पूछती है। तो ये सब आज पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई और बहुत शांति से बहुत आनंद संपन्न हुआ। क्या सुनना है आपका? रणजीत सिंह डंडीर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।